प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने 15 जून को कहा कि 10 जून को हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रव करने वालों की पहचान हो गई है, जल्द ही उनके पोस्टर जारी किए जाएंगे। वहीं इस आने वाले शुक्रवार यानी कि 17 जून के लिए प्रयागराज पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इस ऐलान के कुछ ही देर बाद प्रयागराज पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर जारी कर भी दिए। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग 10 जून को हुई हिंसा में शामिल थे। आज तक के समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज की पुलिस ने बाकायदा अपील जारी की है। सोशल मीडिया पर भड़काने वाले मैसेज से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। जगह जगह पुलिस की पहरेदारी है। प्रयागराज के डीएम और एसएसपी खुद मोर्चे पर हैं, गश्त लगा रहे हैं। प्रयागराज के डीएम संजय खत्री ने कहा, जो पिछले शुक्रवार को यहाँ उपद्रव हुआ था तो बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग उस पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और हमारे पास बहुत सारी वीडियो फुटेज है। हम लोगों ने सबका एक जो है कोलाज तैयार किया है, सबका लिस्टिंग किया, चिन्हांकित किया हम लोगों ने। तो जो जो चिन्हांकित है, वो जो शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं डर है कि वो कहीं ना कहीं अरेस्ट किए जा सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इसी वजह से कई सारे लोग यहाँ से पलायन किए हैं, लेकिन हमने सभी लोगों को, जो पेशे इमाम है, जो मानिन लोग हैं, उन सबको आश्वस्त किया कि किसी भी बेकसूर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि जिन लोगों ने छोटे मोटे बच्चों को आगे करके उपद्रव करवाया, उनके लिए कोई माफी नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए, तमाम हमारे पास वीडियो आए हैं, सामने सीसीटीवी फुटेज आए हैं, जिसमें क्लियरली चेहरा विजिबल है और ईंट पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिनके खिलाफ इस तरह के सबूत हैं, उनको तो कतई बख्शा नहीं जाएगा और उनकी पहचान कर ली गई है और कुछ की पहचान नहीं हो पाई है तो उनके उनके लिए पोस्टर्स बनाए गए हैं। वो पोस्टर जल्दी ही जारी कराए जाएंगे, रोड्स पे भी लगेंगे, सोशल मीडिया पे भी डाले जाएंगे ताकि ऐसे शरारती तत्वों की पहचान हो सके। कब तक मान लें सर? कोशिश कर रहे हैं, आज हम जारी कर रहे हैं ऐसे पोस्टर्स जिनमें वो ईंट पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं या गाड़ियों में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हार्डकोर माना जा रहा है और हार्डकोर मान करके उनके पोस्टर जारी होंगे, उनकी पहचान सुनिश्चित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, उनके खिलाफ वारंट जारी कराने की कार्रवाई की जाएगी। उनको 107, 116 और अन्य धाराओं में पाबंद कराया जाएगा। ये सब कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पैरेलल में हम अपनी तैयारियाँ भी कर रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे पर फिर से कोई शरारती तत्व उपद्रव न मचा सके और हमें तमाम छोटे छोटे लड़कों पर और लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम न केवल अपना डिप्लॉयमेंट मजबूत कर रहे हैं बल्कि मानिंद लोगों से, धर्मगुरुओं से अभी भी हमारी संवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार संवाद किया जा रहा है कि उनको समझाइए कि ये काम ना करें, अदरवाइज नुकसान कुल मिलाकर उन्हीं लोगों का होता है जो ऐसा काम करते हैं। तो उससे बचने के लिए उनको बराबर सलाह भी दी जा रही है, उनसे वार्ता भी की जा रही है, उनकी मदद भी मिल रही है और सबको ये बताया गया है कि किसी बेकसूर की गिरफ्तारी कतई नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि 92 गिरफ्तारियों के बाद हमने बिल्कुल कमेटी बनी है और कमेटी डिसाइड कर रही है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद ही हम गिरफ्तारी का निर्णय ले रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक। हम कतई नहीं चाहेंगे कि बेकसूर कोई जेल जाए। एसएसपी ने कहा कि जो इसमें शामिल नहीं रहा है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि आने वाले शुक्रवार को फिर से कोई शरारती तत्व उपद्रव ना मचा सके, इसकी तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए पुलिस की तैनाती मजबूत करने के साथ ही लोगों और धर्मगुरुओं से बात की जा रही है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून को प्रयागराज के जिस अटाला इलाके में हिंसा हुई थी, वहां की गलियों में रखे मलबे, ईंट पत्थर को नगर निगम ने हटा दिया है। निगम की टीम मंगलवार 14 जून को जेसीबी लेकर पहुंची थी। इस दौरान गलियों में मलबे के तौर पर रखे ईंट पत्थर हटा दिए गए हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी सुरभि ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।